So let's start our class. Let few more enter. Okay, then we will start our class. Okay. So today I will tell you the some. Good morning, ma'am. Yes, yes. Good morning. Today I will tell you the important topics of chapter one. I told already in the class. So again, I will tell. Then I will move to the questions. Okay. So when we are talking about the chapter one important points. Okay. So first we will cover the decomposition reaction. पूरा करना है. Decomposition reaction में कौन सा? दो thermal photo. That types of decomposition reaction I am not talking. पूरे topic में अगर पूरे chapter में देखो तीन पूरा chapter important है. तीन important chapters में मैंने आपको बताया था. Periodic classification, acid bases and chemical reaction equation, ये दो तीनों important chapter है. लेकिन chapter वन में से आपको special stress देख के कौन सा topic पढ़ना है? Types of chemical reaction. ठीक है, types of chemical reaction सबसे ज्यादा आया है. आप कोई भी paper उठा लो, types of chemical reaction तो आया ही आया है. और उसको plus के साथ पूछा गया, किसके साथ? Balanced chemical equation के साथ. Chemical equation balancing के साथ जोड़ के उसको पूछा गया. अब ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसमें से भी कुछ ऐसा क्वेश्चंस हैं जो बार बार आया. ठीक है, तो वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये बार बार आया. डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी कुछ ऐसे है पिकअप वाले जो हमको पता है कि ये 100% श्योर है कि ये रिपीट होना ही होना है. चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है. तो पहला है आपका लेड नाइट्रेट डीकम्पोजिशन, सेकेंड है फेरस सल्फेट डिकम्पोजिशन, तीसरा है सिल्वर सॉल्ट डिकम्पोजिशन. ये तीनों का डिकम्पोजिशन अच्छे से पढ़ लेना. लेड नाइट्रेट आप देखोगे क्वेश्चन में भी आता है. व्हाट इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ इक्विपमेंट, मैंने आपको प्रीबोर्ड में भी दिया है अगर याद हो तो. प्रीबोर्ड है और हाँ सैंपल पेपर में भी दिया है. तो यहाँ पे क्या है लेड नाइट्रेट, मैं आपको क्या बता रही हूँ चैप्टर वन का इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ ना. तो उसमें आपको मैंने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो इम्पोर्टेंट है, ये सबको पता है. ये तो ओपन से ही थिंग है, लॉजिकल है कि केमिकल रिएक्शन पूरा पढ़ना. लेकिन जो केमिकल रिएक्शन है उसमें से अगर हम देखेंगे पेपर में कौन से क्वेश्चंस के आने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उस हिसाब से जाएंगे. तो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिंग, ये ऐसे आते हैं. ठीक है, ये तीनों पूछते हैं. अब इसमें से भी अगर मैं देखूं कि तीन क्वेश्चंस, तीन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए. कौन कौन से तीन क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं? लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन और तीसरा है सिल्वर सॉल्ट का डिकम्पोजिशन. ये तीनों डिकम्पोजिशन जो है ये बहुत साल पूछा गया है, या तो बैलेंसिंग में पूछा गया है, या तो वन मार्क के क्वेश्चन में पूछा गया, या तो इसका बोला है कि ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन व्हेन यू विल डू दिस फॉलोइंग रिएक्शन. तो ये जो तीनों रिएक्शन है इसको आप 100% अच्छे से करोगे. लिख लेना, इसको नोट कर लेना, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट. ओके, क्लियर है? ये तीनों सॉल्ट का डिकम्पोजिशन आप अच्छे से करोगे. देन इससे रिलेटेड अब दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो बड़े बड़े नहीं है. आप देखोगे कि नॉर्मल हर पेपर में मिलता है कि एंडोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक क्या है. ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है और व्हाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. ठीक है, इसको कवर करने के बाद आप कवर करोगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट वाला क्वेश्चन है ना, विच इज ऑक्सीडाइज्ड, विच इज रिड्यूस्ड, हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ये. ठीक है, लेकिन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो तीन क्वेश्चन जो बताई हूँ उसको 100% करोगे ही करोगे. Is it clear? If you are not kept with you, these are the important questions of this chapter. Okay? Next, so चलो चालू करते हैं आप अपनी क्लास. Okay. So this, I think I have started this slide already. ओके, ये स्लाइड नहीं चालू आपकी क्लास में. क्वेश्चन नंबर 17 आई थिंक दैट स्लाइड वाज ओवर. वन सेकंड, हां लेट मी ओपन द अदर स्लाइड आल्सो, लेट मी सी. दिस वाज डन, यस आई थिंक सो. C4H10 C2H2 ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर.
Okay, so let's start the next one, next slide. The screen is visible to everyone? Yes, ma'am. Okay, so start solving the question number one, and I expect the answer to the chat. Okay, so first question is what? Calcium wala dekh lijiye. Calcium is an element with Z is equal to 10T. Is it a metal or non-metal? Which size, whose size is bigger? Write the formula of the chloride. I want the answer to the chat. Yes. Quickly. Okay, Harshit, it is correct. What about the other two parts? No. Yes, yes, yes. Okay, okay. Calcium, na? Okay. Correct, correct, beta. Harshit, it is correct. Why only Harshit is replying? Harshit, it is overall correct. What about the others? Kushal, it is correct. Done one part. What about the other two parts? Yes. Harshit? Yes, ma'am. Why are you not replying? What is the answer of this question number one? First, A is metal. Yes. As the electronic configuration is 2A2 and in outermost shell, the valence electron is 2. So it will lose the electron and hence gain the positive charge, which is a metal. Okay. What about the second part? It is if you compare the radius with the potassium, it will be smaller. Calcium size will be smaller than potassium as down the group size increases because of increase in number of shell. Number of shell. Okay. Yes, ma'am. Write the formula. CaCl2 as calcium charge is plus 2 and Cl charge is minus 1. So, 2 chlorine. Okay. So, it will be CaCl2. So, calcium jo hai wo metal hai kyunki uske valence shell mein 2 electron hai wo lose karega. Lose karne wale kya hote hai? Metal hota hai. Dusra ek cheez jo ye hai ki calcium ka jo oxide hai wo water mein kulki kya banata hai? कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैं पानी में बोल दूं तो क्या बनेगा? और मेटल ऑक्साइड का बेसिक इन नेचर, दैट मींस कैल्शियम इज मेटल. ओके, क्लियर. सो नेक्स्ट इज व्हाट, ये जो है पोटेशियम से अगर इसकी साइज जो रहेगी छोटी रहेगी क्योंकि वी आर मूविंग अलोंग द पीरियड पोटेशियम देन कैल्शियम, इजंट दैट? दैट मींस वी आर मूविंग अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई कैल्शियम इज स्मॉलर देन व्हाट? Potassium, and the formula of the chloride is CaCl2, and this thing you have done the mistake, Purnia. It is not bigger, it is smaller than potassium. Okay, now question number two. Yes. Devanshu. Yes. Adishwar. Subrat? Yes. If you don't want to take the class, simply ask Subrat. I will wait one second. I will remove the you people. Himanshu, Harshali Kaswa, Rishabh Bapna,
Sanskar Doshi, why do you have to for a formality you are attending the class? Same is the case of Karan also. For formality, for attendance, you people are attending the classes, isn't that? Wait 1 second, beta. Last warning. It's not in this meeting. Why should I give them the attendance? Ma'am. Yes, wait 1 second, but let me remove this person. Those who are now entering the class without keeping your audio on, I am going to remove you. Okay, now. Subrat, yes, Subrat, but answer the question number two. Question number two, you answer. Name the element present in the third position, which has been maintained in the middle. Yes. एक्सेट्रा करके नहीं लिखना है कुशाल यू हैव टू नेम एवरीथिंग डोंट नो मैम मैंने आपको क्या बोला था 20 तक एलिमेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे ना बोला था कि नहीं बोला था यस मैम एलिमेंट्स क्या है आपका थर्ड पीरियड के एलिमेंट है सोडियम सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन सिलिकॉन क्लोरीन सल्फर क्लोरीन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आयरन हो गया थर्ड पीरियड के लिए सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम और मेटल एंड पोटेशियम कैल्शियम क्लोरीन आर्गन आर नॉन मेटल्स एंड सिलिकॉन क्लोरीन आर्गन आर नॉन मेटल्स ये मेटल्स जो है वो आपके सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम ये जो है आपके मेटल्स है सिलिकॉन मेटलॉइड है फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन जो है वो है नॉन मेटल्स है ओके क्लियर और ये कहाँ पे मिलेंगे सो आपको जो मेटल्स जो है वो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में पाए जाते हैं और जो नॉन मेटल्स है वो पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में मिलेंगे ओके सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर टू नेक्स्ट टेबल इज दिस टेबल इज गिवन टू यू ओके अ टेबल इज गिवन टू यू आई एम सीइंग दिस टेबल यू हैव टू टेल मी व्हाई लिथियम एंड सोडियम आर कंसिडर्ड एज द एक्टिव मेटल्स मतलब अपने अपने पीरियड में इनको रिएक्टिव मेटल्स का टाइटल क्यों मिला है अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में जैसे सेकेंड पीरियड की बात करेंगे तो लिथियम सबसे रिएक्टिव है थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं तो सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सो व्हाई दे आर गिवन द टाइटल ऑफ द एक्टिव मेटल्स इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स मैम बिकॉज़ दे लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन द अदर एलिमेंट इन द पीरियड इजीली लूज कर रहा बेटा ऐसा क्या खास है इसमें मैम बिकॉज़ इन द आउटर मोस्ट शेल देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन बिकॉज़ इन द इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ओनली वन सो इट विल मोर इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में वन है एंड यू नो दैट एटॉमिक रेडियाई इज डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड इजंट दैट सो इन दैट एस्पेक्ट वी कैन से दैट लिथियम इज बिगर इन इट्स ओन पीरियड सोडियम इज बिगर इन इट्स ओन पीरियड अलोंग द पीरियड अगर साइज घटता है तो उस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि सोडियम सबसे बड़ा हुआ साइज में लिथियम सबसे बड़ा हुआ अपने पीरियड में सिंस उसकी साइज बड़ी है वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा यानी कि ये रिएक्टिव मेटल्स हैं ओके नेक्स्ट एटॉमिक साइज ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम बाय मैम बिकॉज बिकॉज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अलोंग द अक्रॉस द पीरियड ओके करेक्ट है मैग्नीशियम रे मैम अलसाना एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड गुड बिकॉज़ देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस
Yes, number of proton increases by 1 unit. Correct. Hai? Fluorine is more reactive than chlorine. Fluorine. Because it fluorine easily gain 1 electron. Because down the group non-metallic character decreases. Down the group non-metallic character decreases. डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो फ्लोरीन ज्यादा नॉन मेटालिक हुआ किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन में के। और आपको पता है कि नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते, तो जाहिर सी बात है अगर फ्लोरीन ज्यादा नॉन मेटालिक है तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर नॉन मेटालिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Two elements X and Y are placed in the same period. Compare them with respect to number of valence electron, valency, metallic character, size of atom, formula of their oxides and chloride. Yes. Answer to the chat. And I don't want A alag answer there, B alag answer there. All together A, B, C, D, I want the answer together. From A to E, I want the answer together. Valence electron, one metal. Yes. I'm waiting for the reply. So I am removing the people, those who are not connecting through the audio. If you want to attend the class, connect through the audio, give me the answer, be properly at there in the class, otherwise don't attend the class. I will remove you from the class, remember this. What about the formula of chlorides and oxides? Yes, I got the answer of X is valence electron. Yes, Harshit. No, Harshit, your last part is wrong. X is smaller than Y. No. तो यहाँ पे आंसर होगा कि ग्रुप वन एंड टू को बिलोंग करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वैलेंस शेल में वन या टू इलेक्ट्रॉन होता है तो ग्रुप नंबर भी वन या टू होता है, इज इन दैट। तो उस हिसाब से यहाँ पे ग्रुप वन एंड टू लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वन और टू, यानी कि एक्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन है, टू वाई का वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन या टू है तो वैलेंसी भी वन या टू ही होगी। सो इस हिसाब से एक्स की वैलेंसी वन, वाई की वैलेंसी टू। मेटालिक कैरेक्टर अगर देखेंगे तो एक्स ज्यादा मेटालिक होगा टू वाई के कंपैरिजन में, बिकॉज अलोंग द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ओके, सो एक्स इज मोर मेटालिक, एक्स इज मोर मेटालिक देन वाई, बिकॉज अलोंग द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस।
Okay, then the size of the atom. If I'm talking about the size of the atom, X will be bigger than Y. X will be bigger than Y because along the period size decreases. Isn't that? Along the period size decreases. Ab group 1 se kis mein ja raha hai? 2 mein ja raha hai. Matlab aap along the period ja raha hai. Along the period size decreases. Okay, that's why X will be bigger, Y will be smaller. And when we are talking about the formula of the oxides and the chloride, the formula of the oxides will be X2O and YO. X ke oxide ka formula hai X2O and Y ke oxide ka formula hai YO. Ab chloride ke agar formula ki baat ki jaye, to chloride ka formula ho jayega XCl and the Y, chloride of Y is YCl2. Okay, YCl2. Okay, clear? This is that. और ये answer मुझे एक ही person ने दिया, उसका भी थोड़ा सा mistake था. Otherwise, rest all, nobody has given me the answer. None of you. Next, question number 5. Okay, question number 5 answer I got from Punya. Very good. Question number 5. Let me check, Punya. Okay, ma'am. Punya, you are all one answer is wrong. The last one is not correct. The last one, E part. E part is not correct, beta. Ma'am, I was not knowing that, so I think it will be non-magnet. Harshit, okay. Harshit, your answer I checked on the previous question. Yes, your answer is correct. Question number 5, I want the answer. Question number 5. Yes, I am waiting for the reply. Which element is a metal with valence 2? Metal कहाँ मिलते हैं? Left की right. तो कौन सा metal होगा बात? Group number दे. अभी तो ऊपर में करी ना group जिसका group number 2 है उसकी valence भी 2 होगी. Next, D2. Which element is a non-metal with valence 3? Non-metal कहाँ मिलता है? Left side. हाँ, right side. अभी अच्छे से देख. यहाँ पर right side. ठीक है यार. तो valence वहाँ पे valence find करने का था. Valence electron find करने का तरीका क्या था? जिसके valence electron में 4 से ज़्यादा रहते हैं. Valence electron minus. Group number minus number. Group number minus it. Ma'am, I am showing the answer. Okay, wait. Very good. Correct, Rita. Yes, Kushal, it's correct. Very good. Showing. You are writing in that. Okay. Harshit, wait. Let me see. Okay, Harshit, let me stop sharing the screen. Then only I will be able to see. Wait. So, Harshit is showing. Where is Harshit? Harshit, will you be able to share the screen? No, option is not there. Okay. मैंने कर दिया. Share screen का option दे दिया. अब इन आप एक मिनट. Yes, very good. Very good बेटा. पूरा correct. Good. Good, good. Okay. अब इसमें से एक चीज मैंने आपका नोटिस किया है, आप लोगों को ये याद नहीं है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करना है, वैलेंसी कैसे फाइंड करना है. भाई अगर ग्रुप नंबर दिया है तो उससे भी तो वैलेंस ग्रुप नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिलेशनशिप ही वही है. ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर किससे रिलेटेड रहेगा? आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड रहता है. याद रखना, ग्रुप नंबर 1 या 2 है, ठीक है, तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा? उल्टा ही तो है जो कल बताया था मैंने. वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा? 1 या 2. अब अगर आपको बोल रहा है कि ग्रुप नंबर इज 13 से लेके 18 तक है,
Okay, if group number is, अगर ग्रुप नंबर जो है वो 13 से लेके 18 तक आया है, ओके 13 टू 18 तक के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर माइनस 10 करोगे तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ग्रुप नंबर माइनस 10 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो आप वैलेंस ही निकाल सकते हो ना, वैलेंस ही कैलकुलेट करने का मैंने तरीका बताया था। अब आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था इसी में कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी 3 है ना, तो आप देखो ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 को अगर मैं 13 माइनस 10 कर दूं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो तो मेटल है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, क्योंकि जिसका वैलेंस वैलेंस शेल में 1 2 या 3 होता है उन्हें लूज करते हैं, दोनों मेटल होते, तो ये नहीं आएगा हमारा, किसमें आएगा 14 के बाद। एक और ट्रिक ये है, याद रख लो कि नॉन मेटल्स जो होते हैं जिनकी वैलेंसी 3 2 1 होती है उन लोग 14 के बाद ही आएंगे, ग्रुप नंबर 14 के बाद आएंगे, याद रख लो इसको, ओके। ऐसे नॉन मेटल्स जिनकी वैलेंसी जो होती है 3 2 1 होती है वो ग्रुप नंबर 14 के बाद आते हैं, ओके। तो ग्रुप नंबर 14 के बाद कौन आता है, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17। तो 15 में अगर मैं 10 माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 5 5 हो गया ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी कितनी हो गई समझ में आया इसे क्लियर तो याद रखना कि अगर आपको पूछ रहा है कि ऐसे नॉन मेटल को लिखो जिसकी वैलेंसी 3 है या 2 है या 1 है तो आप लोग सीधा ग्रुप नंबर 15 से काउंट करना चालू करोगे, ओके क्लियर है, इस इट ओके फॉर एवरीवन। जो जो पॉइंट बता रही उसको याद रखना, बार बार याद दिलाना पड़ता है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लिमिटेशन ऑफ न्यूलन लॉ ऑफ ऑप्टिक्स। तीन लॉ लिमिटेशन लिख के दिखाइए फटाफट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 3 मार्क 3 पॉइंट शॉर्टकमिंग्स इसके लिख के दिखाइए फटाफट क्विकली। यस एवरीवन, yes, I'm waiting for the reply. You people will waste the time, complete or what? Yes, no one knows the answer or what? I'm writing in chat. Okay. Still not nobody has done, otherwise I'm last week. Okay, Pune has given me the answer.
अपना और उन्होंने क्या कर दिया था, दो एलिमेंट को डिसिमिलर एलिमेंट को एक ही स्लॉट में रख दिया था एंड देन ही सेड दैट देयर इज ओनली 56 एलिमेंट्स. ओके सो 56 एलिमेंट्स आर देयर इन द नेचर का ड्रॉबैक था. ओके सो दिस आर द ड्रॉबैक. ओनली दो बच्चों ने मुझे दिख के दिखाया, वन इज सिटिंग हियर एंड वन इज फ्रॉम देयर. व्हाट अबाउट अदर्स? हर्षिता, हर्षिता मैं आप लोगों को वार्निंग दे रही हूं, मैं अभी चार लोगों को रिमूव कर चुकी हूं. नेक्स्ट इज योर टर्न. व्हेन आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस प्लीज रिप्लाई. हर्षिता रिप्लाई मी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. क्वेश्चन नंबर 7 मैम. 4 7 बेटा 7 क्वेश्चन नंबर 7. Reduced to portion oxidizing agent. What is it? Sodium is undergoing oxidation. Yes. बेटा एग्जाम में हमारे पास अगर क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं रहता कि हम 7 का आंसर नहीं करेंगे, हम 8 का आंसर करेंगे, 8 का नहीं करेंगे, 9 का क्या करेंगे, ऐसा ऑप्शन थोड़ी रहता अपने पास. अपने अपन को जो क्वेश्चन पेपर में दिया है वही करना पड़ेगा ना. तो यहाँ पे सोडियम जो है अगर मैं ऑक्सीडेशन, यस पुण्य वेरी गुड. तो जो ऑक्सीडाइज होता है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है. तो अगर मैं देखूं तो सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकल रहा है इसलिए वो रिड्यूस हो रहा है. दूसरी बात कॉपर वाले में, कॉपर वाले में अगर देखा जाए तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है इसलिए कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोजन में जाके जुड़ रहा है इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. ओके क्लियर है? सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज गेटिंग रिड्यूस्ड इन द फर्स्ट वन. इन द सेकंड वन कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ओके क्लियर? नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विद देयर एग्जांपल्स. Yes, answer it, Harshita. Exothermic reaction is a reaction in which the heat releases and causes the causes the temperature to rise at immediate surrounding. And endothermic reaction is which absorb heat and cools the surrounding. मैं सोची आप पहले आए करके सुन. या टेल मी हर्षिता, टेल हर्षिता कंटिन्यू. एंड मैम द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द ब्रेड वी ईट दैट दैट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स and in the endothermic reactions example is the decomposition of vegetable matters. ब्रेड में क्या बोल रहे हो आप? ब्रेड में क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मैम? द ब्रेड वी ईट रेस्पिरेशन, सॉरी द रेस्पिरेशन
the process of respiration is an example of exothermic reaction. Respiration, okay. Respiration is an exothermic reaction. Yes, respiration mein oxidation hota hai, food ka energy release hoti hai. Yes, correct. Okay. And endothermic mein aur kya bola aapne? The decomposition of vegetable matters. Okay, correct. In endothermic, energy is absorbed and exothermic energy is released. And okay, decomposition. Kya is the decomposition? All decomposition. So यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल स्पेसिफाई नहीं किया है, इसलिए आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन सिर्फ डिकम्पोजिशन लिख के मत छोड़ना एग्जाम में. कोई एक एग्जाम्पल अपनी मर्जी से, कोई भी अच्छा सा सीधा साधा छोटा सा एग्जाम्पल दे देना. ओके, सो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर काउंटेड. सो एनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन यू रिमेम्बर दैट यू कैन प्लेस. लेकिन अगर यहाँ स्पेसिफाई कर दिया यू हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन, दैट इट इज अ मस्ट फॉर यू, यू हैव टू राइट केमिकल इक्वेशन. ओके, clear. Next, question number 9. Write one equation for decomposition reaction. Okay, for all the three types of decomposition reaction one equation, all the three types of decomposition reaction one equation. Yes, heat, light or electricity. Yes, for all the three types of decomposition reaction I want a chemical equation. You send me to the chat the answer or you show me to the video, doesn't matter, but you show.